ड्राइंग स्किल पढ़ने आए हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो आप। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि स्केल को कैसे रीड करें, कैसे बनाएं, स्केल क्या होता है। सारा कॉन्सेप्ट आपका इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही हम बेसिक लैंग्वेज में समझाने वाले हैं, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यहाँ पे देखो, थ्री टाइप्स के आपके स्केल हो गए। एक है एक्चुअल, ठीक है, 1:1। ये दूसरा है रिड्यूसिंग स्केल, है 1:2। ठीक है, इनलार्जिंग स्केल आपका हो गया 2:1। अब इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, हम ये आपको एग्जांपल से समझाएंगे, सिंपल एग्जांपल। तो अभी हम आपके लिए लेके आए हैं स्केल जो कि है 30 सेंटीमीटर की। अब एक्चुअल स्केल क्या होता है, अगर हमें मान लो कोई भी डायमेंशन है वो हमें ड्रॉ करनी है शीट पे, ठीक है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैब होती है उसमें तो हम लोग बड़ी बड़ी शीट लगा के ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी मेरे पास जो शीट है वो A4 शीट है, तो इस पर हम इसीलिए छोटे स्केल भी लाए हैं जिसे हम आपको समझाएंगे एग्जांपल के साथ। तो अभी जैसे हमें मान लो कहीं ड्रॉ करनी है लाइन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, ये है यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, 0, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है 0, ये 10। तो अब ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये 0 से स्टार्ट हमने किया, 0 से 10, ठीक है, ये है आपकी 10 सेंटीमीटर की लाइन। अब ये जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है वो आपकी है एक्चुअल स्केल पे बनी है, यानी 1:1 पे आपकी ये बनी है। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग स्केल क्या है, अब रिड्यूसिंग स्केल देखना। मान लो कि मेरे पास ड्राइंग की शीट छोटी है, ठीक, छोटी सी ड्राइंग शीट है, हमें ये बनानी है 10 सेंटीमीटर की लाइन, 10 सेंटीमीटर की लाइन हमें बनानी है, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है, तो हम उसको छोटे स्केल पे हमें दिखाना है, रिड्यूसिंग स्केल पे दिखाना है, इस 10 सेंटीमीटर को हमें कॉम्पैक्ट करना है, थोड़ा कंप्रेस करना है। तो अब क्या करेंगे, इस 10 को मान लो, अब यहाँ पे देखना हम क्या करते हैं, जैसे 1 है, 1:2, मतलब क्या हो गया इसका 1:2, ठीक। अब यहाँ पे मेरा है 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 करो, ठीक। अब क्या होगा, 1 × 10 कितना हुआ, 10 ही होगा, ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर दो 10 को, कितना होगा, 5, ठीक। अब क्या है, अब मेरा जो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक, अब ये आपका, जैसे मेरे पास देखो अब जगह यहाँ पे कम है, तो हम क्या करेंगे, 0 से ले कर 5 तक ड्रॉ कर दिया, 5 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये है रिड्यूसिंग स्केल पे ये लाइन आपकी बनी है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, लेकिन जो स्केल है वो शो कर रहा है 1:2, मीन्स ये आप डायमेंशन तो नहीं शो करनी है, डायमेंशन ऐसा नहीं है हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंगे, बस हम क्या है स्केल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, डायमेंशन चेंज नहीं होती है इससे, बस क्या होता है स्केल आपका रिड्यूस हो गया। अब जो 10 सेंटीमीटर की लाइन थी आपका, वो लाइन बनी है स्केल पे, कौन से स्केल पे, 1:2 में, ठीक है, मतलब जैसे 5, 10 सेंटीमीटर थी तो उसको हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, किस स्केल पे, 1:2 के। तो अब एक और बढ़िया से एग्जांपल से आपको समझाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मान लो हमारी एक कोई एक बाउंड्री की वॉल है, ठीक है, आपको एक कोई बाउंड्री वॉल बनाने को मिली, बाउंड्री वॉल जिसकी लेंथ है 3.6 मीटर, नियर अबाउट 12 फीट हो गया, तो ठीक है हमें ड्रॉ करनी है, लेंथ है 3.6 मीटर की लेंथ है। अब क्या है, ना तो इस मेरे स्केल में उतनी डायमेंशन दी हुई है, ना ही मेरे पास इतनी बड़ी शीट है कि हम 3.6 मीटर की लाइन को ड्रॉ कर सकें। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इसे mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे स्केल में mm दिया हुआ है, ठीक है, और सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे mm में करेंगे, आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, तो हम mm में करते हैं। तो 3.6 मीटर का मतलब आपका हो गया 3600 mm आपका हो गया, क्योंकि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, याद है ना।
तो अब क्या है, हम इतनी बड़ी लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं शीट पे, अब तो क्या करेंगे, इसको रिड्यूसिंग स्केल का यूज़ करेंगे, इसको कॉम्प्रेस करेंगे। तो अब जैसे हमने बताया था 1:2 ले गए, एक एग्जांपल अभी दे रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो अगर हम 1:2 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, 1:2 के हिसाब से चलते हैं, तो जैसा कि हमने समझाया था 1 × 3600 / 2, अब कितना आ जाएगा, अब इसे डिवाइड करोगे तो आपका 1800 mm आ जाएगा। अब 1800 mm मीन्स आपका हो गया 1.8 meter। ये शीट पे ड्रॉ करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, ये बहुत ही बड़ी डायमेंशन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इतना इसका रेशियो लेंगे, रिड्यूसिंग स्केल इतना लेंगे कि हम इस शीट पे ये इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल को, बाउंड्री वॉल की डायमेंशन जो है इस पे ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ले लेते हैं इसका 1:100 ले लेते हैं, 1:100 लेते हैं, तो 1 × 3600 जो कि हमने ये इसका लेंथ लिया बाउंड्री वॉल का, 3600 / 100, क्योंकि हमने 100 लिया इसका स्केल, 1:100 लिया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 mm। क्या अब 36 mm हम लोग इस पर ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी स्केल पे हमारी शीट भी उतनी सफिशियंट है ये डायमेंशन ड्रॉ करने के लिए। तो चलो यहाँ बाउंड्री वॉल अब फटाफट ड्रॉ करते हैं, कितना आया है 36 mm। तो देखो ये हो गया 10 mm, 20 mm, 30, अब 3.5 mm, ये एक ले लेते हैं 6, ये आपका ड्रॉ हो गया बाउंड्री वॉल जिसकी डायमेंशन है 3.6 meter, ठीक है, ये आपका बाउंड्री वॉल ड्रा हो गया। अब लेकिन हमने इसको किस कौन से स्केल पे बनाया, 1:100 के स्केल पे बनाया इसको, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे इसको बस कॉम्प्रेस किया, इसको रिड्यूस किया है, लेकिन इसकी डायमेंशन जो है एक्चुअल वही आप लिखोगे, क्योंकि आप इस स्केल पे दिखा रहे हो, जो भी आपकी ड्राइंग रीड करेगा, ठीक है, जो भी आपकी कॉपी, जो भी आपकी शीट चेक करेगा, वो इस स्केल से समझ जाएगा कि ये इस स्केल पे बनी है, ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं इनलार्जिंग स्केल की। इनलार्जिंग स्केल में क्या है कि जैसे मान लो बहुत ही छोटी एक डायमेंशन दी हुई है, मान लो 1 cm, यहाँ से यहाँ देखो दिख रहा है 1 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या करना है, इस 1 cm को थोड़े बड़े स्केल पे हमें ड्रॉ करना है, हमें साफ साफ दिखे, ठीक, हमें इसमें थोड़ी डिटेलिंग करनी हो। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे इनलार्जिंग स्केल पे, जैसे मान लो 1 cm की लाइन को हमें थोड़ा बड़ा दिखाना है, 1 cm। तो अब इसको इनलार्जिंग स्केल चलो यूज़ करते हैं इसका, 2:1, ठीक। अब क्या करते हैं, ये 1 cm को हमें ड्रॉ करना है, 2 × 1/1, ठीक है। अब ये जो सिंबल है, ठीक है, ये क्या है, आप इसे डिवाइड का बना लो, ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2, अब इसे सॉल्व करोगे आपका होगा 2 cm। तो अब ये जो यहाँ से यहाँ, अब ये जो आपका 1 cm है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये हो गया 1 cm, लेकिन एक्चुअल में देखो क्या है, ये 2 cm है। क्यों है, क्योंकि हमने स्केल पे इसको ड्रॉ किया है, कौन से, इनलार्जिंग स्केल पे ड्रॉ किया है, जो कि है 2:1 स्केल। तो आप ऐसे अपने स्केल को इनलार्ज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, और एक्चुअल में स्केल क्या है वो आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे कि ये पार्ट आपका वीडियो में नीचे थोड़ा क्रॉप हो गया था, तो हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कि जैसे मान लो हमें इनलार्जिंग स्केल पे हमें काम करना है, ठीक है, इनलार्जिंग स्केल पे इसमें क्या होता है कि हमें स्केल को थोड़ा लार्ज करना रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 cm को थोड़ा बड़ा दिखाना है, ठीक है, इनलार्ज करना है, तो क्या करते हैं, इनलार्जिंग स्केल का यूज़ करते हैं। ऐसे मान लो हम ले लेते हैं 2:1, ठीक है। अब 2:1 में क्या है कि अब देखो 2/1 हुआ, ठीक, × 1 cm, अब इसे सॉल्व करेंगे 2 cm आ गया। तो मींस क्या है, हम लोग 1 cm को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कैसे, देखो हमने ड्रॉ किया था, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 cm की लाइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस पे ड्रॉ किए हैं, मतलब एक्चुअल में
ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन किस स्केल पे काम किए हैं, 2:1 के स्केल पे, इनलार्जिंग स्केल पे काम किए हैं, तो ये हम शो कर रहे हैं, ये छोटी लाइन को इनलार्ज कर दिया, ठीक है, तो ये इनलार्जिंग स्केल है। तो ये था तरीका स्केल को रीड करने का और ड्रॉ करने का। तो आई होप ये आपने सीख लिया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक कमेंट कर देना, एक लाइक भी कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।